वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान की फजाइया और बहरिया की शानदार पेशावराना कारकर्दगी का तारीखी दिन, वो यादगार मौका जब एक तरफ पाकिस्तान के शाहीनों ने भारतीय फजाइया पर अपनी बालादस्ती साबित की तो दूसरी तरफ पाक बहरिया ने समंदरी हदूद में घुसकर आने वाली भारतीय बहरिया की आपदोज का सुराग लगाकर उसे भागने पर मजबूर कर दिया। इलेक्शन जीतने के लिए भारत की मोदी सरकार का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बंदर बुरी तरह नाकाम हुआ। 27 फरवरी खाक चाटने और नाकाम लौटने का दिन, वो दिन जब हिंदुस्तानियों के लिए चाय तजलील की अलामत बन गई। भारतीय लड़ाका तैयारा तबाह हुआ, पायलट अभिनंदन सख्त पिटाई के बाद गिरफ्तार हुआ। गलती से जो ललकारेगा तो गाड़ के रख देंगे। 27 फरवरी 2019 की सुबह दुश्मन के दो तैयारों ने पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी की। जवाब में पाकिस्तानी जाबाज शाहीनों ने दो तैयारे मार गिराए। पायलट अभिनंदन समाहानी सेक्टर के गांव संधाड़ में गिरा। गलती से जो ललकारेगा तो गाड़ के रख देंगे। मुकामी अफराद ने इसकी ठुकाई की, वो जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। मरम्मत करने वालों ने आज के दिन बोल न्यूज से अपने ख्यालात का इजहार किया। विंग कमांडर नौमान अली खान को अभिनंदन का तैयारा गिराने पर सितारा जुर्रत, फाइटर पायलट हसन सिद्दीकी को तमगा जुर्रत से नवाजा गया। समंदर के सीने पर दुश्मन पर नजर रखने वाली चाको चौबंद पाक बहरिया भी पीछे न रही। सरहदी खिलाफ वर्जी पर भारतीय आपदोज को वार्निंग दी, उसे भागने पर मजबूर कर दिया। भारत की मोदी सरकार हमेशा इलेक्शन जीतने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लेती आ रही है, लेकिन उस दिन जो नाकामी भारत को झेलनी पड़ी वो अब तारीख में महफूज हो चुकी है। इटली में अलमनाक हादसा।